आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल जी, बात करें अगर कमोडिटी बाजार में कृषि फसलों की, तो सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि हमने बिनौला खल में फरवरी वायदा में वायदा बाजार NCDX पर 3200 का लेवल टच होते हुए देख चुके हैं, और जो जनवरी वायदा है वो भी 3198 पर कारोबार करता नजर आ चुका है। बिनौला खल में देख रहे हैं कि December 2021 के अंत तक और January 2022 के शुरुआत में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, फंडामेंटल्स भी मजबूत ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि बिनौला खल में एक हल्की सी करेक्शन भी बनी है, हल्की सी गिरावट भी बनी है, और आपने पहले ही बता दिया था कि बिनौला खल में आगे तेजी रहेगी तो मंदी भी ज़रूर आएगी, करेक्शन भी ज़रूर बनेगी। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, जिससे कि जो निवेशक हैं पहले से ही संभल जाएँ, सतर्क हो जाएँ, आपको यहाँ से क्या लगता है बिनौला खल में आगे अभी कुछ दिनों तक कैसे रुझान रह सकता है? अखिलेश जी, आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त फरमाया कि कपास और कपास खली में सबसे तेजी की बात करने वाला यही शो था, जब लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ इसको गिरावट की बात कर रहे थे। गौरतलब है कि तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले जो लोग हैं, उनसे अक्सर निवेशक यानी इन्वेस्टर दिग्भ्रमित हो जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस को भूल जाता है, और वो लेबल्स की मकड़ जाल में फंस जाता है। कपास खली यानी कॉटन सीड ऑयल के यदि तेजी और मंदी को हम देखें, तो सबसे पहले हमें फंडामेंटल की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। इस बार कपास की अराइवल लगातार कम होती जा रही है जी, और किसान माल रोकने में अपनी भलाई समझ रहे हैं, विशेषकर जो ए ग्रेड का माल है, क्योंकि इस बार जैसे हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि इस बार दागी माल जो गुलाबी सुंडा के वजह से और खड़ी फसलों के पर बेमौसम बरसात से काफी फसलों को प्रभावित हुई है, और उससे माल कॉटन सीड कॉटन जो है वो दागी रही, ए ग्रेड का माल बहुत कम आ रहा है। ए ग्रेड का माल तो किसान दे ही नहीं रहे हैं, वो अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि कपास में अभी बहुत लंबा सीजन है नेक्स्ट फसल में आने में, तो धैर्य से जिन्होंने माल रखा हुआ है उनको फायदा भी हुआ है, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन कपास खली की जो तेजी और मंदी के अंदर दो चीजें हमें समझना पड़ेगा, एक कपास खली का जो उपयोग है वो पशु आहार में सबसे अधिक है जी, और वो पशु आहार में अधिक इसलिए भी है क्योंकि जो बाकी खल है, चाहे सरसों की है, चाहे मूंगफली की है, चाहे सोया की है, वो कंपैरेटिवली कपास खली की खल से महंगी पड़ती है, और यही वजह है कि पशुपालक जो हैं या डेयरी उद्योग डेयरी फार्मिंग वाले जो किसान हैं या कारोबारी हैं वो कपास खली की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। अभी कॉटन सीड के भाव भी जो है कंपैरेटिवली अच्छे बाजार में बताए जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव कपास खली पे पड़ा, और कपास खली के जो दाम है हमारे अनुमान अनुसार बहुत अच्छी मोमेंट में रहे, 3200 के आसपास भी देखे गए। लेकिन एक सवाल यह है कि किसी भी तेजी या किसी भी मंदी की एक तरफा एक स्ट्रेच होता है, एक स्विंग होता है, कि वो स्विंग के बाद में उसके अंदर उसमें ठहराव आने की संभावना बनती है। मुझे लगता है कि आज कपास खली के अंदर कुछ ठहराव आ सकता है, कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है, कुछ ऊपरी स्तर पर दबाव देखने को शायद मिल सकता है, ये हमारा अनुमान है जी। अखिलेश जी, जी आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।